नमस्कार, रुआ लोग आज तक देख रहल बानी रुआ सभे के पसंदीदा भोजपुरी बुलेटिन एकदम चकाचक और तरोताजा अंदाज में हम लेके आयल बानी। राजनीति, क्रिकेट, चाहे कौनो अपराध और फिल्मी दुनिया के खबर हो, एकदम बढ़िया बढ़िया खबर बिना कौने मिर्च मसाला लगाए ले हम रुआ खातिर लेकर आयल बानी। ई खबर रुआ खाती है त इहे लगी खबर किसन लागल, ई सब बतावल जाए, तुरंत कमेंट करी। उत्तर प्रदेश के 9 विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहल बा। एह सीटन के लेके विपक्षी समाजवादी पार्टी अवूरी कांग्रेस के गठबंधन के बीच झगड़ा चलत रहे। कांग्रेस जहां 5 सीट पर दावा कईले रहे, उहे सपा ओकरा के सिर्फ 2 सीट के पेशकश कईले रहे, अलीगढ़ जिला के खैर अवूरी गाजियाबाद सदर विधानसभा सीट। कहल जात रहे कि कांग्रेस एह दोनों सीट पर चुनाव लड़े से मना कर सकेले आ आई सही भील। ग्रैंड ओल्ड पार्टी यूपी में अखिलेश यादव के फ्री हैंड देले ब्या। सपा प्रमुख खुद ट्विटर पे पोस्ट कईले कि इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार सब 9 सीट पर सपा चिन्ह चुनाव लड़ी है। हरियाणा चुनाव से पहले लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी आम आदमी पार्टी से गठबंधन के शुरुआत कईले रहले, हालांकि गठबंधन के आकार ना मिल पावल। सपा से भी बातचीत चलल लेकिन कांग्रेस एको सीट तक ना छोड़लस। हरियाणा में कांग्रेस के हार के बाद सहयोगी दल के नेता भी एकरा के आईना देखावे लगले। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अवूरी आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल महाराष्ट्र में राजनीतिक गतिविधि बढ़ावे जा रहल बाड़े। सूत्रन से खबर आयल बा कि केजरीवाल महाविकास अघाड़ी खातिर प्रचार करी है। खास तौर पर शिवसेना UBT अवूरी NCP-SP के प्रचार खातिर महाराष्ट्र जाए के तैयारी करता रे। सूत्र के मुताबिक शिवसेना UBT अवूरी NCP-SP महाराष्ट्र में प्रचार खाती आम आदमी पार्टी से बात कईले बाड़े। केजरीवाल ओह विधानसभा सीट पर प्रचार कर सकेले जहां आपके बढ़न आधार बा आ MVA के उम्मीदवारन के पृष्ठभूमि पर कवनो विवाद नइखे। केजरीवाल के अलावे पार्टी के अवूरी वरिष्ठ नेता दोनों पार्टी के प्रचार खाती भी जा सकता रे। हालांकि ई साफ नइखे कि वो महाराष्ट्र में कांग्रेस के उम्मीदवार खाती प्रचार करी है कि ना। महाराष्ट्र के अलावे अरविंद केजरीवाल के झारखंड जाए के खबर भी बा। यहाँ वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार के प्रचार करे जा सकता रे। बता दी कि झामुमो राज्य में इंडिया ब्लॉक के सहयोगी पार्टी हा। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव झारखंड के यात्रा पर बाड़े। अवूरी उहां से वो बिहार के माहौल खराब करे वाला लोग के चेतावनी देले बाड़े। वो अररिया में अररिया के सांसद प्रदीप सिंह के दिहल बयान की ओर इशारा करत रहले। एकरा संगे संगे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के हिंदू स्वाभिमान यात्रा भी तेजस्वी यादव के निशाना पर रहे। अवूरी एकरा चलते माहौल बिगड़ जाए के अंदेशा जताकर तेजस्वी यादव नीतीश सरकार के ई चेतावनी देले बाड़े। तेजस्वी यादव सोशल मीडिया पे लिखले, आज भाजपा के ईगो सांसद बिहार के माहौल बिगाड़े खाती भड़काऊ बयान देले अवूरी आज नीतीश कुमार जी ओ सांसद के अतिरिक्त सुरक्षा देले। तेजस्वी आगे लिखले कि ए देश के माटी में सबके सुगंध बा, अवूरी आज़ादी में सबके योगदान बा। हम सबका के भरोसा दियावत बानी कि जबले हम जिंदा रहब तबले बिहार के सांप्रदायिकता के आग लगावे वाला के खिलाफ अडिग रहब, अवूरी मुसलमान के और बुराई देखे वाला के ईंट से ईंट बजा देब। बिहार के पूर्णिया में ईगो बट ट्रेन हादसा टल गईल। कटिहार जोगबनी रेल खंड के पटरी पर केहू लोहा के छड़ी लगा देले रहे। जब DMU ट्रेन नंबर 07561 ओहिजा से गुजरल तसरिया पहिया में फंस गईल। जवना से ट्रेन में तेज झटका अवूरी तेज शोर मच गईल। सौभाग्य रहे कि ट्रेन के रफ्तार धीमा रहे आ ड्राइवर बुद्धि देखा के इमरजेंसी ब्रेक लगा दिहलस। एकरा चलते ईगो बट दुर्घटना टल गईल। ई घटना बुध का देर सांझ कटिहार जोगबनी रेलखंड पर भइल। रानी पत्रा स्टेशन से निकलला के बाद DMU नंबर 07561 के करीब 900 मीटर आगे बढ़ते अचानक झटका लागल। ट्रेन के पहिया में लोहा के छड़ी फंस गईल। तेज शोर अवूरी सदमा के चलते पूरा ट्रेन में अफरा तफरी मच गई। ट्रेन में सवार सब यात्री डेरा गईले। बोगी में बैठल यात्री के बीच अफरा तफरी मच गई। बंगाल के खाड़ी से पैदा भील चक्रवाती तूफान दाना अब भयंकर चक्रवाती तूफान के रूप ले लिहले बा। ई भयंकर चक्रवाती तूफान 24 अक्टूबर के रात भा 25 अक्टूबर के सवेरे उड़ीसा आ पश्चिम बंगाल के तट के पूरा आ सागर द्वीप का बीच पार करी।
एकर गति 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटा आ 120 किलोमीटर प्रति घंटा तक के झोंका के साथ हो सकेला। एकर असर बिहार के कई जिला में भी दिखाई देता। देर रात से मधेपुरा, किशनगंज, जमुई, कटिहार समेत झारखंड से सटल बिहार के जिला में तेज हवा आ हल्का बरखा हो रहल बा। पटना के मौसम केंद्र के वैज्ञानिक एसके पटेल के मुताबिक ए भयंकर चक्रवाती तूफान के असर अब बिहार में दिखाई देता। आज रात से एकर असर बढ़ जाई। खास तौर पे झारखंड से सटल जिला के लोग के सावधान रहे के सलाह दिहल जाता। एह तूफान के असर के देखत राजधानी पटना समेत 20 जिला में आजू येलो अलर्ट जारी किल गईल बा। त लोग के भोजपुरी भाषा में आज तक के ई बुलेटिन कैसन लागल जरूर बताई। काहे कि हमनी खबर रुआ खातिर लेके आयल बानी जा। आ रुआ लोग के दिहल सुझाव हमनी खातिर बहुत जरूरी बा। एह गर्मी में आपन बढ़िया से देखभाल करी।